हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अपने इन स्टेज में आ चुका है, जहाँ पे 60 से ज़्यादा मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सभी टीम्स के पास बस एक दो ही मैच बचे हुए हैं, यहाँ से प्लेऑफ की जंग बहुत रोमांचक होगी। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के मैच नंबर 64 के बारे में, जिसमें एक तरफ ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स है, वहीं दूसरी तरफ हमें केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम का इस साल मिला जुला परफॉर्मेंस रहा, इस सीजन में यहाँ इन दोनों की दूसरी टक्कर होगी। पिछले बार दिल्ली ने लखनऊ को हरा दिया था। दोनों ही टीम अभी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। दोनों के लिए यह मैच इंपॉर्टेंट होगा। यह मैच आपको 14 मई को दिल्ली करण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें से दिल्ली एक मैच जीत के आ रही है, तो पे लखनऊ 2 मैच जीत के आ रही है। तो आप बात करते हैं इनका पिच रिपोर्ट देखते हैं। इस सीजन का यहाँ पे 4th मुकाबला खेला जाएगा। अब तक यहाँ पे सभी गेम हाई स्कोरिंग में, बैटर्स को यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग में इजी होगा, स्पिनर्स को फ़ायदा मिलेगा, दूसरी इनिंग में डिफेक्टर असरदार होगा, बॉलर्स को पिच से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्पिनर मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं। लास्ट के कुछ मैचों में यहाँ बात बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की। वहीं अगर बात करें इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 42% रहेगा और टेम्परेचर 33°C रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंटेज देखें, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 45% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 52% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका वे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का वे स्कोर 168 है, वहीं पर सेकंड इनिंग का वे स्कोर 152 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस भी अच्छा की, लेकिन पिछले 4 मैच में से 3 मुकाबले में टीम हार गई है, उसका असर पॉइंट टेबल में दिख रहा है, लेकिन टीम लगातार जीत नहीं पा रही है। लास्ट के में टीम को हैदराबाद से शर्मनाक हार मिली। टीम ने 12 मैच खेले, जिसमें से 6 ही मैच में जीत हासिल की। लास्ट गेम में बैटिंग फ्लॉप चल गई थी। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि केएल राहुल है, जो कि 460 रन के साथ राहुल टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है, जिको कि इस साल बुरी तरह फ्लॉप चल गए। अगर मिडिल ऑर्डर बात करें, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, मार्कस स्टोनी, निकोलस पॉइंट भी लगातार रन बना रहे हैं। आयुष बोधिनी ने लास्ट गेम में 55 रन बनाए थे। टीम की बॉलिंग लास्ट गेम में बुरी तरह फ्लॉप थी। टीम ने महज 10 ओवर में 167 का टारगेट चेस करा दिया था। टीम किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिला। टीम के 2 ही बॉलर जो अब तक 10+ विकेट ले चुके हैं, यहाँ पे नवीन उल्लाक, मोहसिन खान इकोनॉमिक स्पेल डाल रहे हैं, यश ठाकुर जो कि 11 विकेट के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। वहीं पे स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्विंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, दीपक हुड्डा, निकोलस पुरन है, आयुष बोधोनी है, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उल्लाक, मोहसिन खान, यश ठाकुर। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि अर्शन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, अमित मिश्रा, के गौतम, अरशद खान। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, यश ठाकुर। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने टूर्नामेंट में शुरुआती हार के बाद पिछले कुछ मैचों में अच्छा कमबैक किया। टीम की बॉलिंग बैटिंग में इंप्रूवमेंट आए। लास्ट गेम में टीम के कैप्टन ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे और टीम इंपॉर्टेंट मैच RCB से हार गई। टीम अब तक 13 मैच खेली, जिसमें से 6 ही मैच में जीत हासिल की। टीम टॉप 6 में है। यह मैच टीम का लास्ट लीग मैच है और टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना तो चमत्कार करना होगा। टीम को बिग मार्जिन से जीतना होगा ताकि रन रेट इम्प्रूव हो सके। वहीं टॉप ऑर्डर में जहां पे जैक फ्रेश है, इस वक्त IPL में अपने अच्छे परफॉर्मेंस से तहलका मचा रहे हैं, वो ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग में बात करेंगे तो उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक पोरेल। वहीं नंबर 4 पर साई होप, जो कि लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, कप्तान ऋषभ पंत की बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, 413 रन के साथ वो टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं पर लो ऑर्डर में जहाँ पर टिस्टन स्टब जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अक्षर पटेल ने लास्ट गेम में 57 रन बनाए थे। वहीं बॉलिंग में टीम के सही बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुलदीप यादव टीम के ट्रम्प कार्ड है, उन्होंने अब तक 15 विकेट लिए हैं। लास्ट गेम में ईशांत शर्मा को मौका मिला था, उन्होंने कोहली को विकेट लिया था, मुकेश कुमार ने भी 9 मैच में 16 विकेट लिए हैं। वहीं पर खलील अहमद भी अब तक 16 विकेट ले चुके हैं, अक्षर पटेल, राशिद सलीम जो कि इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दुरा सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जैक फ्रेशर है, अभिषेक पोरल है, साई होप है, ट्रिस्टन स्टार्स है, ऋषभ पंत है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है,
राशिक सलीम है, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा, खलील अहमद। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो पृथ्वी शॉव है, यश दूल है, प्रवीण दुबे, कुशग्रा, गुलदादीन नायब है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि टेस्टन स्टाफ्स है, ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते विनर की। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में दिल्ली कैपिटल्स से होगा, यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।